ओम शांति। 5 अगस्त 2018। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 7 दिसंबर 1983। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहदारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पद्म भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते। कभी मूल वतन कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते। कभी अपने राज्य में चले जाते। कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति के किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन मंदुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले। दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले। तीसरों की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो किस नंबर में है, पहले व दूसरे में। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्जन महावाक्य 2500 वर्षों की कमाई का आधार है। पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले
श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की सांस श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसी अनुभवी आत्माएं होना। अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्वपूर्वक विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। समझा? नए नए आए हो ना, तो लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं। इससे फास्ट चले जाएंगे, समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हो। साधन तो बाप दादा सुनाते हैं, जिससे किसी भी बच्चे का उलहना रहना जाए। पीछे क्यों आए व क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो, श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो। उलहना तो नहीं रहेगा ना, रिफाइन रास्ता बता रहे हैं। बने बनाए पर आए हो, निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो, अभी सिर्फ खाओ और हजम करो। सहज है ना? अच्छा, ऐसे सर्व विधि संपन्न सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली का रिगार्ड रखने वाले, ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली व मुरलीधर स्वरूप बच्चों को बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। सदैव एक रस आत्मा हो या और कोई भी रस अपनी तरफ खींच लेता है, कोई अन्य रस अपनी तरफ खींचता तो नहीं है ना? आप सबको तो है ही एक, एक में सब समाया हुआ है। जब है ही एक और कोई है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? कोई काका मामा चाचा तो नहीं है ना? आप सबने क्या वायदा किया? यही वायदा किया है ना कि सब कुछ आप ही हो। कुमारियों ने पक्का वायदा किया है, पक्का वायदा किया और वरमाला गले में पड़ी। वायदा किया और वर मिला, वर भी मिला और गर भी मिला, तो वर और गर मिल गया। कुमारियों के लिए माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है? वर और गर अच्छा मिले, तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया जिसकी महिमा जग करता है। गर भी ऐसा मिला है जहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो पक्की वरमाला पहनी है। ऐसी कुमारियों को कहा जाता है समझदार।
कुमारिया तो है ही समझदार, बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है क्योंकि बच गई। कोई गिरने से बच जाए तो खुशी होगी ना। माताएं जो गिरी हुई थी उनको तो कहेंगे कि गिरे हुए को बचा लिया, लेकिन कुमारियों के लिए कहेंगे गिरने से बच गई। तो आप कितनी लकी हो, माताओं का अपना लक है, कुमारियों का अपना लक है। माताएं भी लकी हैं क्योंकि फिर भी गौपाल की गौवे हैं। दूसरा, सदा माया जीत हो, जो माया जीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर होगा। ऐसा नशा रहता है बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक हैं, यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है। बस इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वालों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा बाप के याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है, एकदम फर्श से अर्श निवासी। तो सदा अर्श पर रहते हो या फर्श पर, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने तो नीचे कैसे रहेंगे। फर्श तो नीचे होता है, अर्श है ऊंचा, तो नीचे कैसे आएंगे। कभी भी बुद्धि रूपी पांव फर्श पर नहीं ऊपर। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे। यही नशा रहे सदा अचल अडोल, सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी माया में डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मिले हुए हैं, उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहो। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। विनाशी धन की भी खुशी रहती है ना, विनाशी नेतापन की कुर्सी मिलती है, नाम शान मिलता है, तो भी कितनी खुशी होती है। यह तो अविनाशी खुशी है, यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल होंगे। सभी ब्राह्मणों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है। पहले गुलाम थे, गाते थे मैं गुलाम मैं गुलाम, अब स्वराज्यधारी बन गए, गुलाम से राजा बन गए। कितना फर्क पड़ गया, रात दिन का अंतर है ना। बाप को याद करना और गुलाम से राजा बनना, ऐसे राज्य सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता। इसी स्वराज्य से विश्व का राज्य मिलता है। तो अभी इसी नशे में सदा रहो। हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो यह कर्मेंद्रिया स्वतः ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलेंगी। सदा इसी खुशी में रहो कि पाना था जो पा लिया। क्या से क्या बन गए, कहां पड़े थे और कहां पहुंच गए। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों से चुने हुए प्रश्नोत्तर। प्रश्न, पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य कौन सा है जिसका विशेष अटेंशन रखना है। उत्तर,
अव्यक्त फरिश्ता होकर रहना, यही पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। यह लक्ष्य सामने रखने से अनुभव करेंगे कि लाइट के गर्भ में मेरा यह लाइट का शरीर है। जैसे व्यक्त पांच तत्वों के गर्भ में है, ऐसे अव्यक्त लाइट के गर्भ में है। लाइट का रूप तो है, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ, यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी गर्भ में हूँ। प्रश्न, हर कार्य करते हुए किस स्मृति को विशेष बढ़ाओ तो निराकारी स्टेज सहज बन जाएगी? उत्तर, हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। मैं इस कार्यार्थ पृथ्वी पर वतन से आया हूँ। कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में। इस स्मृति से सहज ही निराकारी स्टेज बन जाएगी। प्रश्न, साकार स्वरूप के नशे की पॉइंट्स के साथ साथ किस अनुभव में रहने से ही साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे? उत्तर, जैसे यह स्मृति में रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शक्ति हूँ। इस स्मृति से नशे और खुशी का अनुभव होता है, लेकिन जब अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्ब में स्वयं को अनुभव करेंगे, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, क्योंकि साक्षात्कार लाइट के बिना नहीं होता है। तो आपके लाइट रूप के प्रभाव से ही उनको दैवी स्वरूप का साक्षात्कार होगा। प्रश्न, वर्तमान समय के प्रमाण आपका कौन सा स्वरूप चाहिए? अभी कौन सा पाठ समाप्त हुआ? उत्तर, वर्तमान समय के प्रमाण आप सबका ज्वालामुखी स्वरूप चाहिए। साधारण स्वरूप, साधारण बोल नजर न आए, अनुभव करे कि यह देवी मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। अब आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। जब आप शक्ति रूप में रहेंगे तो आप द्वारा सबको अनुभव होगा कि यह कोई अवतार है, यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है। अवतार प्रकट हुए हैं, महावाक्य बोले और प्राय लोप। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना चाहिए। प्रश्न, निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले अनन्य रत्नों की सेवा क्या है? उत्तर, वे लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। एक अनेकों को लाइट देंगे, स्थूल कारोबार से उपराम होते जाएंगे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में। अभी जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों और बढ़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस हो रही है वह बढ़ेगी। प्रश्न, चक्रवर्ती महाराजा कौन बनते हैं? उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर,
जो अभी चक्रधारी हैं, वही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तब ही कहेंगे चक्रधारी। ऐसे चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। आपके लाइट का रूप और लाइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाए जो चलते फिरते सबको दिखाई दे कि यह लाइट के ताजधारी हैं। प्रश्न: किस अभ्यास से शरीर के हिसाब किताब हल्के हो जाएंगे, शरीर को नींद की खुराक मिल जाएगी? उत्तर: अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होने का, शरीर से परे होने का अभ्यास हो तो 2-4 मिनट की अशरीरी स्थिति से शरीर को नींद की खुराक मिल जाएगी। शरीर से परे होने का अभ्यास हो तो 2-4 मिनट की अशरीरी स्थिति से शरीर को नींद की खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब भी पुराना होगा ही, लेकिन लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतु करने में लाइट रूप हो जाएंगे। इसके लिए अमृत वेले विशेष यह अभ्यास करो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुआ हूँ। प्रश्न: मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर: मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। प्रश्न: गांव वालों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि गांव वाले बहुत भोले होते हैं, बाप को भी भोलानाथ कहते हैं। जैसे भोलानाथ बाप, वैसे भोले गांव वाले, तो सदा यह खुशी रहे कि हम विशेष भोलानाथ के प्यारे हैं। अच्छा, वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन: हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।